नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन से अलग दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का शुभारंभ करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत 2025 तक रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यमों को प्रौद्योगिकी और युवाओं में कौशल बढ़ाने का आग्रह किया। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, भारत ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री को मिले 1200 उपहारों की ई नीलामी कल से शुरू होगी। प्रधानमंत्री कल नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ेंगे और सेफ महिला फुटबॉल प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में नेपाल ने भारत को 1-0 से हराया। समाचार संध्या में जागृति शर्मा के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उज्बेकिस्तान में समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने खाद्य, ईंधन और उर्वरक संकट के मुद्दों के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस समाधान खोजने की आवश्यकता है। दुनिया के सामने जो सबसे बड़ी चिंता है और खास करके डेवलपिंग कंट्रीज को, फूड सिक्योरिटी की, फ्यूल सिक्योरिटी की, फर्टिलाइजर की, ऐसी जो समस्याएं हैं, हमें जरूर रास्ते निकालने होंगे। उन विषयों पर भी आज चर्चा करने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकतंत्र, कूटनीति और संवाद के महत्व को रेखांकित किया। जब शुरू के दिनों में, संकट के काल में, आपकी और यूक्रेन की मदद से हमारे स्टूडेंट को हम सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पाए, उनके घर तक हम पहुंचा पाए, और इसके लिए मैं आप दोनों देशों का आभारी हूं। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती हैं। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। भारत रूस संबंधों के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश दशकों पुराने साझेदार हैं। उन्होंने शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के बारे में टिप्पणी के लिए रूस के राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन, द्विपक्षीय व्यापार, रूस की उर्वरक आपूर्ति, कृषि सहयोग, तेल, गैस, परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं और वीजा मुक्त पर्यटन का मुद्दा उठाया। श्री पुतिन ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार में वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि रूस की उर्वरक आपूर्ति में 8 गुना वृद्धि भारत के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। श्री पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस आने का निमंत्रण भी दिया। प्रधानमंत्री ने तुर्की के राष्ट्रपति श्री अर्दोआन के साथ भी बातचीत की। दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक घटनाक्रम पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव ने भी बैठक की। दोनों नेताओं ने आर्थिक सहयोग और संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन की सफलता पर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन के नेताओं के 22वें शिखर सम्मेलन में भी शामिल हुए। बैठक में श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी और यूक्रेन संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में कई बाधाएं आईं, जिससे पूरा विश्व अभूतपूर्व ऊर्जा और खाद्य संकट का सामना कर रहा है।
महामारी और यूक्रेन के संकट से ग्लोबल सप्लाई चेन्स में कई बाधाएं उत्पन्न हुई, जिसके कारण पूरा विश्व अभूतपूर्व ऊर्जा एवं खाद्य संकट का सामना कर रहा है। एससीओ को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता तो होगी ही, साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि हम सभी एक दूसरे को ट्रांजिट का पूरा अधिकार दें। प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में शंघाई सहयोग संगठन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आज जब पूरा विश्व महामारी के बाद आर्थिक रिकवरी की चुनौतियों का सामना कर रहा है, एससीओ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। एससीओ के सदस्य देश वैश्विक जीडीपी में लगभग 30% का योगदान देते हैं और विश्व की 40% जनसंख्या भी एससीओ देशों में निवास करती है। भारत एससीओ सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और आपसी विश्वास का समर्थन करता है। श्री मोदी ने कहा कि विभिन्न देश इस समय अपने नागरिकों के लिए खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने की चुनौती का सामना कर रहे हैं। इस समस्या का समाधान मोटे अनाजों का उत्पादन और बढ़ावा देकर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा और शंघाई सहयोग संगठन के अंतर्गत मोटा अनाज खाद्य महोत्सव आयोजित किया जाना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत को विनिर्माण का केंद्र बनाने के लिए प्रतिभाशाली युवाओं में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा चल रही है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष भारत की आर्थिक वृद्धि दर बढ़कर 7.5% रहने की आशा है, जो विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक होगी। आज भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। हमारे ये अनुभव कई अन्य एससीओ सदस्यों के भी काम आ सकता है। इसी उद्देश्य से हम एक नए स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन की स्थापना करके एससीओ के सदस्य देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत दुनिया में चिकित्सा और आरोग्य पर्यटन का सबसे किफायती गंतव्य स्थल बन गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के परंपरागत औषधियों के पहले और एकमात्र वैश्विक केंद्र का इस वर्ष अप्रैल में गुजरात में उद्घाटन हुआ था। श्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन देशों के बीच परंपरागत औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जारी करेंगे। भारत में अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में लॉजिस्टिक्स लागत अधिक होने के कारण राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति की आवश्यकता है। घरेलू बाजार और निर्यात दोनों के लिए भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा में सुधार के लिए भारत में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना आवश्यक है। कम लॉजिस्टिक्स लागत अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार को प्रोत्साहित करती है। वर्ष 2014 के बाद सरकार ने व्यापार में सुगमता और जीवन में सुगमता दोनों को बेहतर बनाने पर काफी बल दिया है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति आर्थिक विकास को बढ़ाने और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने का एक प्रयास है। समग्र योजना और कार्यान्वयन में सभी हितधारकों के एकीकरण से विश्व स्तरीय आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास करना प्रधानमंत्री की परिकल्पना रही है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के शुभारंभ के साथ पीएम गतिशक्ति को और बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2025 तक 1,75,000 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करके रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल कर लेगा। इस लक्ष्य में 35,000 करोड़ रुपए का निर्यात शामिल है। नई दिल्ली में एक समारोह में श्री सिंह ने कहा कि देश का रक्षा निर्यात पूर्व के 1,900 करोड़ रुपए की तुलना में 13,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत का दृष्टिकोण भारत को विश्व में सबसे मजबूत और सबसे सम्मानित देशों में से एक बना रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यम अगर प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण को जल्दी अपना लेते हैं तो भारत के अमृतकाल में एक बड़ी ताकत बन सकते हैं। मुंबई में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि एमएसएमई को अपने युवाओं की दक्षता और उत्पादकता में सुधार के लिए
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईओटी जैसी तकनीकों की आवश्यकता और उपयोग की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। वित्त मंत्री ने एमएसएमई को अपने सहयोगियों की मदद से डेटा आधारित अनुसंधान करने के लिए कहा और इसमें सरकार की तरफ से हर संभव सहायता प्रदान करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस तरह के शोध से एमएसएमई को अपनी बाजार पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी और इससे भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनने में भी सहायता मिलेगी। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर आज मुंबई में एक कार्यक्रम में श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि ऊर्जा के अनावश्यक उपयोग के कारण जलवायु संकट बढ़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक पहल लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली का जिक्र करते हुए पर्यावरण मंत्री ने कहा कि लोगों को संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न सतत विकास उपायों से भारत 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsoneair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsoneair पर भी उपलब्ध हैं। न्यू इंडिया समाचार, नए भारत का संकल्प, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास। समाज में गरीब और कमजोर तबकों के लिए सरकार की चल रही कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से जुड़ी जानकारी पाएं, सरकार के इन कदमों के बारे में जानें और लाभ उठाएं। आकाशवाणी पर अब सुनिए जन कल्याण के सरोकार दोपहर 3 बजे से हर शनिवार। सुनिए न्यू इंडिया समाचार आकाशवाणी के साथ। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन से अलग दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का शुभारंभ करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत 2025 तक रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने मध्यम लघु और सूक्ष्म उद्यमों को प्रौद्योगिकी और युवाओं में कौशल बढ़ाने का आग्रह किया। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, भारत ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री को मिले 1200 उपहारों की ई नीलामी कल से शुरू होगी। प्रधानमंत्री कल नामीबिया से लाए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ेंगे और सैफ महिला फुटबॉल प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में नेपाल ने भारत को 1-0 से हराया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक में डॉ बीआर अंबेडकर के जीवन कार्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें डॉ अंबेडकर के आदर्शों और नए भारत की विकास यात्रा के बारे में बताया गया है। 12 अध्यायों वाली पुस्तक में बुनियादी ढांचा, शिक्षा, सामाजिक आर्थिक गतिशीलता, लैंगिक समानता, आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। श्री रामनाथ कोविंद ने कहा कि डॉ बाबा साहब आम्बेडकर के आत्मनिर्भर भारत और भारत प्रथम के दृष्टिकोण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे ले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री शायद देश के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने भारत के संविधान के लागू होने के बाद जो हीरक जयंती वर्ष मनाई गई उस पर संविधान गौरव यात्रा का आयोजन किया। उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा स्थली से उस गौरव यात्रा का शुभारंभ किया। एक सुसज्जित हाथी पर भारतीय संविधान का एक विशाल संस्करण रखा गया और उसकी शोभा यात्रा निकाली। मोदी जी स्वयं आम जनता के साथ पैदल चलते रहे। ये घटना प्रधानमंत्री जी की संविधान और डॉ अंबेडकर के प्रति अगाध श्रद्धा व सम्मान को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों की ई नीलामी कल शुरू होगी। ये नीलामी 2 अक्टूबर तक चलेगी। इस दौरान 1222 स्मृति चिन्हों की नीलामी होगी। इसमें गणेश,
स्वामी विवेकानंद, राम मंदिर, नेताजी की प्रतिमा, पेंटिंग और खेल संबंधी उपकरण सहित प्रधानमंत्री को दिए गए अन्य उपहार शामिल हैं। संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि श्री मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो नमामि गंगे के माध्यम से गंगा नदी के संरक्षण के शुभ कार्य के लिए सभी उपहारों की नीलामी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उपहारों का मूल्य 100 रूपये से 5 लाख रूपये है। प्रधानमंत्री मोदी चीता परियोजना के अंतर्गत कल नामीबिया से लाए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ेंगे। बड़े मांसाहारी जंगली जानवरों के अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण की ये विश्व की पहली परियोजना है। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश ही नहीं, अब देश के लोगों का चीतों को लेकर इंतजार खत्म होने जा रहा है। नामीबिया से आ रहे चीतों के कल सुबह ग्वालियर और फिर वहां से कूनो पहुंचने की पूरी संभावना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी एक वीडियो संदेश में चीतों का स्वागत किया है। कूनो नेशनल पार्क में चीतों के स्वागत के लिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री कूनो में चीता मित्रों और स्कूली बच्चों से भी मिलेंगे। कूनो के बाद श्री मोदी कराहल में स्व सहायता समूहों की करीब 1 लाख महिलाओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री यहां कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ भी करेंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्योपुर, मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कल भारतीय जनता पार्टी के देशभर में सेवा पखवाड़ा का आयोजन करेगी। पार्टी सांसद अरुण सिंह ने नई दिल्ली में बताया कि पार्टी कार्यकर्ता 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस पखवाड़े के दौरान समाज के लिए विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं का आयोजन करेंगे। सभी जिलों पे रक्तदान शिविर लगाया जाएगा, उसके साथ साथ निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, दिव्यांग के लिए समाज के साथ मिलकर के उनको उपकरण देने का काम करेंगे। 2025 तक प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि भारत को टीबी मुक्त बनाना है, इसलिए जो टीबी के ग्रसित व्यक्ति है उसको गोद लेने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समाज के साथ मिलकर के करेंगे। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने हाल के स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर आम आदमी पार्टी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के बारे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से फोन पर बातचीत की। श्री गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पंजाब में स्टिंग ऑपरेशन के बाद एक मंत्री को बर्खास्त किया था, लेकिन दिल्ली में वे इस प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं। दो स्टिंग मास्टर जो है उनके स्टिंग हो चुके और स्टिंग आने के बाद फिर एक बार उन्होंने बात कही। अरविंद केजरीवाल जी वही है जो ये कहते थे कोई भी स्टिंग लाओगे तो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ उस स्टिंग को देखकर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन अब कहां कही उनकी कार्रवाई करने की घोषणा। श्री गुप्ता ने मुख्यमंत्री पर दिल्ली नगर निगम का फंड और सफाई कर्मचारियों का वेतन रोकने का भी आरोप लगाया। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति मामले में धनशोधन की जांच के संबंध में दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, नेल्लोर सहित कई स्थानों पर छापे मारे हैं। जांच एजेंसी ने इस महीने पहले भी छापेमारी की थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की प्राथमिकी के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने ये मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित 15 आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज की है। कोलकाता में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की विशेष अदालत ने आज पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा और उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी और एक पूर्व राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कल्याणमय गांगुली को 21 सितंबर तक सीबीआई हिरासत में भेज दिया। गांगुली को कल सीबीआई ने शैक्षिक और गैर शैक्षिक स्टाफ की भर्ती में अनियमितताओं के बारे में पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा होने का उत्सव मना रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी देता है। आज की कड़ी में हम आपके लिए भारत में दूरसंचार क्रांति की कहानी लेकर आए हैं। पिछले कुछ
वर्षों में दूरसंचार क्षेत्र ने भारत के विकास में काफी मदद की है और इसे तीसरी दुनिया के गरीब देश से भविष्य की वैश्विक शक्ति में बदल दिया है। दूरसंचार क्रांति ने देश को 21वीं सदी के आधुनिक भारत और 5G नेटवर्क के दायरे तक पहुंचा दिया है। दूरसंचार क्षेत्र लाखों नौकरियों, बढ़ती आय और वैश्विक संपर्क के लिए आधार प्रदान करता है। भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों को 1990 के दशक में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने से लेकर दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों की आय बढ़ाने के लिए सक्षम करने के साथ साथ किसानों के जीवन को बदलने और विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी व्यवस्था बनाने से पूरे देश में दूरसंचार के असर को देखा जा सकता है। दूरसंचार विभाग की स्थापना वर्ष 1985 में दूरसंचार सेवाओं में सुधार लाने के लिए की गई थी। वर्ष 1986 में MTNL यानी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और VSNL यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं के कार्य के लिए स्थापित किया गया था। सरकार की वर्ष 1991 की उदारीकरण नीति के हिस्से के रूप में दूरसंचार क्षेत्र को निजी क्षेत्र के निवेश के लिए खोल दिया गया था। वर्ष 1997 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का गठन किया गया था, जबकि नई दूरसंचार नीति की घोषणा वर्ष 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। वर्ष 2000 में दूरसंचार विभाग की सेवा शाखा का निगमीकरण किया गया और इसका नाम बदलकर भारत संचार निगम लिमिटेड कर दिया गया। मोबाइल सेवाएं 2G सेलुलर नेटवर्क के साथ शुरू हुई और तेजी से 3G और 4G तक पहुंच गईं। BSNL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रवीण कुमार पुरवार ने कहा है कि दूरसंचार ने भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में सहयोग किया है और ग्रामीण शहरी डिजिटल विभाजन को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो डेवलपमेंट जो 99 किया कि नंबर ऑफ ऑपरेटर्स उसके बाद बढ़ने शुरू हुए, मार्केट में कंपटीशन बढ़ा और टेलीडेंसिटी जो बहुत कम होती थी वो आज की तारीख में बहुत तेजी से बढ़ी, तो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। और जो पहला लोगों की जिंदगी में जो बदलाव आया वो बदलाव था कि पहले मोबाइल अमीरी की निशानी हुआ करती थी, अब लोगों की जरूरत हो गई। एंड BSNL हैज ऑलवेज प्लेड द रोल ऑफ वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। वी नेवर लुक दैट आवर सर्विसेज शुड बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द एफ्लुएंट और अर्बन सेंटर्स। वी ऑलवेज रीच टू द मासेस, द रूरल सेक्टर्स। सो वी विल कंटिन्यू टू सी दैट द बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजी शुड नॉट रिमेन ओनली फ्यू पार्ट्स ऑफ द कंट्री बट इट रीचेस टू मासेस एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। वर्ष 2008 में MTNL ने भारत में पहली 3G दूरसंचार सेवाएं शुरू की। 2G सेवा ने डिजिटल फोन कॉल और संदेश भेजने की सुविधा दी, वहीं 3G सेवा ने मोबाइल उपकरणों पर इंटरनेट डेटा कनेक्टिविटी की सुविधा शुरू की। इससे मोबाइल इंटरनेट उपलब्धता के साथ साथ फोन कॉल और टेक्स्ट मैसेज की सुविधा भी शुरू हुई। वर्ष 2012 में 4G सेवा ने देश में तीव्र गति के इंटरनेट डेटा की शुरुआत की और डेटा डाउनलोड करने के लिए होने वाले विलंब को कम कर दिया। इससे मोबाइल फोन पर ऑनलाइन वीडियो देखने की सुविधा संभव हो सकी। भारत अब तीव्र गति के मोबाइल इंटरनेट और डेटा डाउनलोड की प्रतीक्षा समय को और कम करने के लिए 5G सेवा शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 5G सेवा से ई स्वास्थ्य, कनेक्टेड वाहन, आर्थिक इमर्सिव, ऑगमेंटेड रियलिटी और मेटावर्स अनुभव, जीवन रक्षक उपयोग के मामले और उन्नत मोबाइल क्लाउड गेमिंग जैसे अन्य समाधानों की सुविधा प्रदान करेगी। देश आजादी के अमृत काल में अगले 25 वर्षों के रोडमैप पर काम कर रहा है। 5G टेलीकॉम सेक्टर में क्रिटिकल और आधुनिक टेक्नोलॉजी की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम है। 5GI के रूप में जो देश का अपना 5G स्टैंडर्ड बनाया गया है वो देश के लिए बहुत गर्व की बात है। ये देश के गांवों में 5G टेक्नोलॉजी पहुंचाने और उस काम में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। 5G सेवा टेलीमेडिसिन के माध्यम से डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों और सुलभ तथा किफायती ई स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देगी। दूरसंचार विभाग ने वर्ष 2024 के अंत तक ऑप्टिकल फाइबर द्वारा 100% ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के माध्यम से उच्च गति के इंटरनेट के लिए ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने का लक्ष्य रखा है। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये कार्यक्रम ट्विटर पर @AIRNewsAlerts, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमरीकी एजेंसी और यूनिसेफ ने आज नई दिल्ली में दूरदर्शन और यूट्यूब श्रृंखला दूर से नमस्ते का शुभारंभ किया।
ये धारावाहिक महामारी के बाद की दुनिया में स्वस्थ व्यवहार को बढ़ावा देता है। ये एक काल्पनिक हिंदी श्रृंखला है जिसे मनोरंजक शिक्षा प्रारूप में विकसित किया गया है। ये श्रृंखला महामारी के बाद की दुनिया की चुनौतियों को उजागर करती है। ये स्वस्थ व्यवहार और प्रथाओं को अपनाने को भी बढ़ावा देती है। इसका प्रसारण हर रविवार सवेरे 11 बजे से होगा। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अपर सचिव नीरजा शेखर ने कहा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय, प्रसार भारती, दूरदर्शन और आकाशवाणी ऐसे प्रमुख चैनल हैं जिनके माध्यम से भारत सरकार अपनी नीतियों और कार्यक्रमों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इंजीनियरों और डॉक्टरों की तरह भारत को दुनिया में नेतृत्व के अधिक से अधिक पदों पर महिलाओं को नियुक्त करना चाहिए। बम्बई शेयर बाजार में महिला निदेशक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि कई कंपनियां अक्सर एक ही महिला को निदेशक के रूप में नियुक्त करना पसंद करती हैं। इससे बचने के लिए उन्होंने महिला निदेशकों के पूल का विस्तार करने की आवश्यकता व्यक्त की। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1093 अंक घटकर 58,841 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 347 अंक गिरकर 17,531 पर आ गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की और पर्यावरण स्थिरता पर वार्षिक रिपोर्ट जारी की। रेल मंत्रालय आज से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वच्छता अब आम लोगों के लिए एक मिशन बन गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने राजनीति को समाज सेवा का माध्यम बना दिया है जिससे गरीब और कमजोर वर्ग का कल्याण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पखवाड़े में स्वच्छता के साथ टीबी रोगियों की सेवा पर ध्यान दिया जाएगा और महारक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में अगले 48 घंटे के दौरान तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम वैज्ञानिक आर के जैनामणि ने कहा कि उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना है। हमारा एक वेलमार्क लो प्रेशर एरिया है, एकदम इंटेंस उत्तर प्रदेश में अभी है, की वजह से जो ऑरेंज कलर और रेड कलर का जो वार्निंग है, जैसे लखनऊ है और बहुत सारा सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट है, हम आज जारी किया है, और धीरे धीरे पूर्व के और जैसे वाराणसी, प्रयागराज, ये सब डिस्ट्रिक्ट में काल होगा। तो 2 दिन अभी ये हमारा अलर्ट है, ऑरेंज और रेड कलर, सेंट्रल उत्तर प्रदेश एंड पूर्व उत्तर प्रदेश, और उसके साथ साथ जो पास वाला जो एरिया है, जैसे दिल्ली है, उत्तर मध्य प्रदेश है, थोड़ा बहुत उत्तरी महाराष्ट्र है, तो ये एरिया में भी हम लोग हैवी रेन का वार्निंग दिए हैं। दिल्ली में तो ओनली लाइट रेन है, लेकिन कल से दिल्ली में वेदर कम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। लखनऊ जिले में मूसलाधार वर्षा के कारण दीवार ढहने की घटना में एक दर्जन से अधिक लोग मारे गए और 2 अन्य घायल हो गए हैं। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के दूसरे सेमीफाइनल में काठमांडू में नेपाल ने भारत को 1-0 से हरा दिया है। फाइनल में सोमवार को नेपाल का मुकाबला बांग्लादेश के साथ होगा। पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश ने भूटान को हराया था। डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट के ग्रुप 1 में नॉर्वे में भारतीय टीम का मुकाबला नॉर्वे से होगा। पुरुष सिंगल्स में आज प्रजनेश गुणेश्वरन और कैस्पर रड आमने सामने होंगे। एक अन्य मैच में रामकुमार रामानाथन का मुकाबला विक्टर ड्यूरासोविक से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन से अलग दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का शुभारंभ करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारत 2025 तक रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यमों को प्रौद्योगिकी और युवाओं में कौशल बढ़ाने का आग्रह किया। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा भारत ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री को मिले 1200 उपहारों की ई नीलामी कल से शुरू होगी। प्रधानमंत्री कल नामीबिया से लाए गए
8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ेंगे और सेफ महिला फुटबॉल प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में नेपाल ने भारत को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।